हमारे बीच में इरफान जाफरी साहब मौजूद हैं, तो मैं उनके ताल्लुक से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इरफान जाफरी साहब अपनी तर्ज के बड़े दिलेर और मजबूत शायर हैं। उनका अंदाज़ बयां कहीं फ़कीराना भी है और कलंदराना भी। तो मैं चाहता हूँ इस मकाम पर कि वो माइक पर आए, बराए करम इरफान जाफरी साहब। बस दो चार बातें जो हम दोस्तों ने आपके सामने पेश की, उसमें से कुछ जो मैंने महसूस की अख्तर के साथ, तो एक तो ये कि अभी जब बुशरा अपने जज्बात को आपके सामने और हमारे सामने पेश कर रही थी, और शकील कहाँ चले गए, शकील ने जिस तरह से पूरा मंजरनामा उसके जाने का खींचा, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कलेजे पर बर्छियाँ चल रही हैं, बरस रही हैं, कलेजा कट रहा था। मैं किसी को मकबूंग नहीं करना चाहता और बुशरा को तो कतई नहीं, लेकिन क्या करें कि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बहुत सफाक होते हैं। ऐसे सफाक लम्हों को जी जाना बड़े बड़े जी का काम है, ये हर एक के बस का नहीं है। और कुछ ऐसे ही सफाक हमारी ज़िंदगी में भी आए। मुझे याद है कि मैंने अख्तर को सबसे पहली मरतबा मुमरा में अपने वालिद साहब कैसर जाफरी के पास देखा, मेरी उससे वाकफियत नहीं थी। लेकिन मैं यहाँ एक एतराफ़ करना चाहूँगा आप सबके सामने कि कैसर साहब ने, शकील मैं तुम्हारे हवाले से भी कुछ करना कहना चाह रहा हूँ कि कैसर साहब ने जिस तरह रहनुमाई अख्तर जमाल की वैसी रहनुमाई उन्होंने मेरी भी नहीं की, यकीन करें आप। मैं ये शिकायत मेरे वालिद से नहीं है, उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, उनको ऐसा लगा होगा कि मतलब मेरी अभी मिट्टी इतनी जरखेज़ नहीं है, तो उनको अख्तर जमाल में वो जो नम मिट्टी नज़र आई जिसमें पौधा बोया जा सकता है, तो अख्तर जमाल की शख्सियत में कैसर साहब ने, कैसर जाफरी ने उसमें कुछ छोटे छोटे पौधे लगाने शुरू किए। और अख्तर जमाल मेरे ख़्याल में हर दूसरे तीसरे दिन वो कौसा में आ जाया करते थे, अम्मी से बड़ा लगाव था। और कैसर ने, सॉरी अख्तर ने कैसरुल जाफरी को मुझसे ज़्यादा ओढ़ा। मेरे यहाँ तो बड़ी सख्ती है, लोग कहते हैं ऐसा, पता नहीं अब कितना सही है कितना गलत है, लेकिन अख्तर के यहाँ जो मिजाज की नरमी थी वो कैसरुल जाफरी के मिजाज की नरमी थी। और ये बड़ा कमाल है अख्तर जमाल का तजम्मुल भाई कि मैं ज़िंदगी भर साथ रहा और एक शख्स जो है वो गाहे गाहे आया, कभी कभी आया, और उसने कैसर साहब की ज़िंदगी से, उनकी शायरी से, उनकी तरबियत से, उनके समझाने से, उनके समझाने बुझाने से, शायरी के रमूज क्या होते हैं, ये जितना कैसर साहब ने अख्तर को समझाया, ये अख्तर का कमाल था कि अख्तर ने इसको मिन वन अपनी शख्सियत में दाखिल नहीं किया बल्कि बेवस्त कर लिया। ये बड़ा कमाल है। और जब मैं उसको अक्सर स्टेज पे देखता था शकील, तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये कैसर जाफरी खड़े हैं और कैसर साहब गज़ल सुना रहे हैं। इतना उसने कैसर साहब को अपने दिमाग पे तारी कर लिया था, ऐसा सवार कर लिया था, और वो मतलब हर जगह कहता था कि मैं कैसर साहब का वाहिद शागिर्द हूँ। ये एजाज़ अख्तर जमाल को मिला। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अब क्या करें कि सब, दूसरी बात यह है कि मैं आप सब लोगों से, ख़ास तौर से मुंतज़मीन से, शाह साहब से, आप सब से माफ़ी चाहता हूँ कि हम कहीं जाते हैं तो हम बड़े सलीके से बैठे रहते हैं, लेकिन पता नहीं कि मुझे आज ऐसा लग रहा था कि बुशरा ने जब अपनी बात पूरी कर दी, मुकम्मल कर दी, तो उसके बाद हम लोगों को सूरह फातिहा पे आ जाना चाहिए था।
लेकिन ठीक है, हम किसी की मर्ज़ी तो नहीं बन सकते। बहुत उदास होकर आए थे और उससे ज़्यादा उदास होकर घर लौट रहे हैं। शकील ने दोस्ती का हक निभाया और अख्तर जमाल की रहलत ने हमें ये बिल्कुल यकीन दिला दिया कि ये जो मरज़ है ये वाकई है, वरना हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा भी कोई मरज़ हो सकता है क्या। ऐसा कोई मरज़ हो सकता है जिससे आदमी जो है वो बिल्कुल ऐसा चट जो है दुनिया से चला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब अख्तर जमाल की खबर सुनी, वो सुनावनी जब आई, तो ऐसा लगा कि नहीं यार, ये जितना वावेला इस पूरी दुनिया में मचाया गया है वाकई हकीकत है। हमने बड़े दिल पे जब रखते, एक तो कैसा माहौल था आप सब जानते हैं, मेरे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कि मैं आते आते एक चार मिसरे मैंने कह लिए थे, सो वो सुना देता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा और माफ़ी भी मांग के जाना चाहूँगा कि इतनी तबीयत ज़रा सा बहुत मुजमैल थी इस प्रोग्राम को लेके कि क्या करेंगे, कैसे कहेंगे, कैसे आएंगे, कैसे शेर सुनाएंगे। शेर सुनाने का तो मौका नहीं है, हम सुनाना भी नहीं चाहते, लेकिन ये चार मिसरे मैं आप सबकी नज़र करता हूँ और अख्तर जमाल के लिए मैं बस समीम कल्ब दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि वो उसको और सारे जितने भी मरहूमीन हैं सबकी मगफरत फरमाए। और मुझे एक जुमला कहने की इजाज़त दें कि जब वो अबू जी के पास बैठा रहता था तो मुझे ज़रा सी हसद होती थी कभी कि यार मतलब ये इतना अबू से इतना अटैच हो गया है कि ऐसा लगता है कि ये हमारे ही घर का फ़र्द है। अबू जी की ये तीसरा बेटा है, मैं और गफरानम दो भाई हैं। ऐसा लगता था कि ये अम्मी जन्नत बी का और ज़ुबैर अहमद का ये खलफ है। तो बड़े अच्छे दिन बीते हैं, बड़े अच्छे लम्हे बीते हैं उसके साथ। मैं चार मिसरे सुना दूं, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा कि हाय एक खुश हिसाल था न रहा, हाय एक खुश हिसाल था न रहा, मेरा अख्तर जमाल था न रहा, हाय एक खुश हिसाल था न रहा, मेरा अख्तर जमाल था न रहा, अब तरसता हूँ तेरे लहजे को, शायरी का कमाल था न रहा। बस मैं जाना चाहूँगा, बुशरा के लिए बहुत दुआएं। और एक बात ये कह दूँ कि किसका गम किससे कितना ज़्यादा हो सकता है, इसका अंदाज़ा हम कभी नहीं लगा पाएंगे। शुक्रिया बहुत।